स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानकारी आपको बताना चाहूंगा। डिफरेंशिएशन होता है कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है। जैसा कि हम बोलते हैं कि दो दोस्त हैं, वो एक गाड़ी पे जा रहे हैं और दोनों दोस्त जो हैं एक ही गाड़ी पे बैठे हुए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइएगा कि दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो आप क्या बताइएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों दोस्त एक ही गाड़ी बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोड पे गाड़ी जा रही है दूसरी गाड़ी और एक आपकी गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ी के रिस्पेक्ट में आपके जो गाड़ी है उसमें कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, बराबर है। तो अगर हम इसका सिंपल अगर डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिफिनेशन हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, लाइक हमने लिया वाई, एक वेरिएबल हमने लिया वाई विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल लाइक एक्स। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। एक का नाम है एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरे का नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है यही आपका डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यही आपको डिफरेंशिएशन को बताएगा, कैसे वो देखिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पैरामीटर है, कोई भी दो पैरामीटर जैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, कुछ भी हो सकता है, दो पैरामीटर। अब यहाँ पे दो पैरामीटर, अब एक पैरामीटर के चेंज को हमने क्या लिखा, डेल्टा वन, दूसरे पैरामीटर के चेंज को क्या लिखा, डेल्टा टू। तो यहाँ पे चेंज इन वन डिवाइडेड बाय चेंज इन टू, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, चेंज इन वन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टू, राइट। अब यहाँ पे ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग फेसबुक में देखे होंगे लोग कमिटेड होते हैं, तो कमिटेड होते हैं तो कमिटेड तो एक पर्सन के बीच में नहीं होता है, हमेशा जो भी कमिटेड लोग होते हैं वो दो पर्सन के बीच में होता है। तो उनका एक रिलेशन होता है, उनका एक ग्रुप होता है, उनका एक संबंध होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक संबंध है कि अगर यहाँ पे सेकेंड इंटिटी जो चेंज हो रहा है, ठीक है, सेकेंड इंटिटी चेंज होने के साथ साथ फर्स्ट इंटिटी में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, ये हमको बताता है डिफरेंशिएशन को, राइट। यानी एक पैरामीटर चेंज होने के साथ साथ दूसरे पैरामीटर में कितना फास्ट चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये एक रिलेशन है, ये एक संबंध है, राइट। अब इसी संबंध को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में डिराइव कैसे होता है, और डिफरेंशिएशन एक्चुअल में जो हम डीवाई बाई डी एक्स बार बार बोलते हैं वो आता कहाँ से है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, राइट। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन हमने कंसीडर किया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन वन। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आप क्या कीजिए, x में थोड़ा सा चेंज कीजिए, स्लाइटली चेंज कीजिए, स्लाइटली। तो हमने x में स्लाइटली चेंज किया, कितना, डेल x, बराबर है, डेल x। तो जब x में आप चेंजिंग कीजिएगा तो ऑब्वियसली है कि y में भी आपका चेंजिंग होगा। जब आप x में चेंजिंग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपको y में भी चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे हमने x में कितना चेंज किया, डेल x, उसके करस्पॉन्डिंग हमने y में भी चेंज किया, कितना, डेल y। तो यहाँ पे लिख दिया डेल एक्स विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। डेल एक्स का मतलब क्या है कि आपका जो चेंजिंग हो रहा है कहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, एक्स में, कितना, वेरी वेरी स्मॉल, अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स है। डेल वाई का मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, क्लियर है, ओके, ठीक है। आगे की द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई में चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हमारा जो फाइनल है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस इनिशियल क्या था, एफ ऑफ एक्स है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आपका हो गया किसमें, वाई में चेंजिंग, ये वाई में चेंजिंग हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स में चेंजिंग।
तो x में चेंजिंग कितना, फाइनल आपका x कितना, x प्लस डेल x, इनिशियल x कितना है x, तो ये दोनों x प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट गया। अब देखिए आप अगर इक्वेशन सेकंड को अगर आप देखिएगा तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, एफ ऑफ x प्लस डेल x किसके बराबर है, वाई प्लस डेल वाई, तो इसका कीमत आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिए एफ एक्स का कीमत किसके बराबर, वाई के बराबर, इसका कीमत पुट कीजिए तो माइनस वाई प्लस वाई दोनों कट जाएगा। अब ये देखिए ऊपर में क्या बचा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये आया कहाँ से है, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स आप इसका वैल्यू आप यही पूरा पैरामीटर में आप ये वाला डाटा उठा के प्रूफ करने से लिया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे डेल एक्स जो है वो एक्स में क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है, यानी एक्स में बहुत ही कम चेंजिंग होगा, स्लाइटली टू जीरो, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि डेल एक्स जो है एग्जैक्ट जीरो के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा दिए। अब क्या होगा कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है यानी इसका सॉल्यूशन अगर रियल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या बनता है, डिफरेंशिएशन, ये आपका बन गया डिफरेंशिएशन। तो ये आपका डिफरेंशिएशन, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, तो यही आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन।